समय से ही चर्चाओं में रही फिल्म दहेज मुक्त बिहार बनकर अब पूरी तरह से तैयार है रिलीज के लिए। इस फिल्म का टाइटल आम जन से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि रिलीज से पहले ही ये फिल्म लोगों के दिलो दिमाग पर असर करना शुरू कर चुकी है। दर्शक इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार अब समाप्त होता दिख रहा है क्योंकि इसे 22 मई को रिलीज किया जा रहा है। इस टेलीफिल्म का निर्माण गोस्वामी फिल्म प्रोडक्शन, सूर्या शिवा फिल्म और धनशील कुमार फिल्म के बैनर तले किया गया है। इस फिल्म के निर्माता जितेंद्र गेरी हैं, तो वहीं सामाजिक मुद्दे पर आधारित इस फिल्म के लेखक और निर्देशक धनशील कुमार हैं। फिल्म के शीर्षक से ही इसके कॉन्सेप्ट के गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। फिल्म के जरिए हमारे समाज में फैली दानव रूपी दहेज नामक कुप्रथा पर कोठाराघात करने की कोशिश की गई है। ये फिल्म लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी कि दहेज लेना किसी भी दृष्टिकोण से कोई प्रतिष्ठित काम नहीं है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दहेज की वजह से कैसे किसी लड़की की हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये फिल्म 22 मई को रिलीज होगी और जो टेलीविजन के पहुंच से दूर है उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि इस फिल्म के टीम का उद्देश्य है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।